बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एक दोस्त है, ये उनकी बच्ची है, यहाँ पे इलेक्शन है पीटीआई का। ये देखें छोटे छोटे बच्चे भी इतना जज्बे के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये भी एक बच्चा है, देखें ये भी अभी बच्चा है, लेकिन देखें इसे कितना शौक है इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी के हैं। ये हम सब इमरान खान की पार्टी के हैं, जितने दोस्त यहाँ पे ये बैठे हैं। ये देखिए ये हमारा कैंडिडेट है। ये सामने ये देखें ये भाई है, ये भी पीटीआई के जहाले हैं। तो उन्होंने बहुत जज्बे और शौक से ये पुलिंग स्टेशन पे सारे आए हुए हैं दोस्त हमारे। तो इनके बिल मुकाबल ये हैं नून लीग वाले, ये जो सामने कुछ बैनर लगा हुआ है, कुछ लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे ये सामने जो है ये है पोलिंग स्टेशन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पोलिंग स्टेशन पे गहमा गहमी है। तो माशाल्लाह ये रश है काफ़ी से। तो ये भी हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो आगे से खड़े हैं, ये सारे पीटीआई वाले हैं। ये हमारे ग्रुप के हैं, हमारा पसंदीदा लीडर जो है वो इमरान खान साहब हैं। तो ये देखें यहाँ पे भी काफ़ी रश है। ये भी हमारा दोस्त है, ये भी पीटीआई के लीडर हैं माशाल्लाह। तो ये सारे दोस्त हमारे, तो क्योंकि यहाँ पे रश है तो ये पुलिस वाले हमें हमारे दोस्तों को लड़कों हमारे को कह रहे हैं कि आप पीछे थोड़ा सा हट जाएं। आओ चले ठीक जी जी शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे दोस्त सारे ही पीटीआई को तह दिल से कबूल करते हैं, ये पीटीआई के जहाले हैं। तो ये इमरान खान की पार्टी के हैं और पक्के सच्चे मुखलिस वोटर हैं उनके, और वोटर भी हैं सपोर्टर भी हैं। और ज़िला लिया चौक आज़म में जो है इलेक्शन है, तो इन दोस्तों ने भरपूर मेहनत के साथ इसमें हिस्सा लिया है। तो अपनी ईमानदारी के साथ पीटीआई की मुकम्मल जो ड्यूटी है वो इन्होंने की है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे दो साथियों ने हिस्सा लिया है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे हिस्से के लिया में इलेक्शन था पीटीआई का, तो हम सब दोस्त भी पीटीआई के वर्कर हैं बल्कि कारकुन हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्का हमने जीत लिया यो, और मैं रैली के साथ दोस्तों के साथ यहाँ आया हुआ हूँ। तो मैंने वजह से दो दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं मसरूफ़ था। ये मेरे दोस्त सारे पीटीआई के कारकुन, और अब जश्न की हालत में ये सारे मेरे दोस्त यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये आपको मनाजर देख सकते हैं यहाँ पे सारे, ये सब मनाजर देख सकते हैं यहाँ पे। मैं बहनों और भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैंने इसी वजह से दो दिन में मसरूफियत थी हमारी, तो वीडियो ना बना सका। तो बाकी इंशाल्लाह कल से फिर रोस्टिंग भी देख लेंगे, इनकी चोस्टिंग भी देख लेंगे, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी भी 282 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार जो है
जो इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नतज के मुताबिक तकरीबन कुछ 95-130 में से 95 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है मौसूल हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तकरीबन कोई 42,000 के करीब जो है वोट हासिल किए हैं, जबकि दूसरी जान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है 26,000 के करीब हैं, और इस वक्त जो है 12-13,000 वोट की लीड से पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो जीत चुका है। और इस वक्त जो है उनके मेन कैंप में जश्न का समा है, मुख्तलिफ जगहों से रैलियाँ आ रही हैं, मुख्तलिफ नौजवान तबका जो है वो नारों से वो जो है उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं और जोश व खरोश भी है। इस वक्त हमारे साथ जो है एक नौजवान जो है तरीके इंसाफ के वो मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं और आगे क्या पैगाम। और इंशाल्लाह 22 तारीख को हमारा वजीर आला बनेगा और हम इस कुकड़ी को इंशाल्लाह 22 को भगा के दम लेंगे। के यहाँ पर जो है नारे लगे जा रहे हैं और जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ कप्तान के तमाम टाइगर्स को, और लोटों की जो सियासत है हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई है, और लोगों ने साबित किया है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। पाकिस्तानी आज़ाद कौम है और खान को उन्होंने दोबारा सेलेक्ट करके खुद मुख्तियार कौम होने का सबूत दिया। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल इनका भी यही कहना था कि यहाँ लिया कि आवाम ने जो है कप्तान को वोट देकर एक खुद मुख्तियार पाकिस्तान बनाने के लिए जो आज उनका साथ दिया है वो खुशांत है। ये मैं अपने बहन भाइयों को ये थोड़ा सा एक सीन दिखाना चाहता हूँ, ये ज़रा पीटीआई के कारकुनों का थोड़ा सा जश्न वाला ज़रा सीन देखें। ये मैं बहन भाइयों को तमाम जो बाहर में हैं या ओवर कंट्रीज़ में हैं, ये देखें मैं थोड़ा सा आपको सीन दिखाना चाहता हूँ। ये तमाम पीटीआई के कारकुन हैं जो मैं आपको सीन दिखाना चाहता हूँ, ये देखें। ये जश्न का समय है, ये हमारे कैसर खान जो हमारे लीडर थे पीटीआई के, वो काफ़ी लीड के साथ जीत चुके हैं, और ये देखें। ये मैं अपने बहन भाइयों को जो पाकिस्तान में हैं या ओवर कंट्रीज़ में हैं, ये मैं इन सबको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये एक जश्न का समय है।